आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। आज अंतकरण अत्यंत उल्लास से, समाधान से और कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमारा संपूर्ण राष्ट्र और पूरा विश्व भी आज भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका, इसके जो अनेक कारण हैं उनके ऊपर तो आलोक हमारे सारे सम्माननीय अभ्यागत डालेंगे ही। मैं केवल एक काम के लिए यहां पर खड़ा हूं, छोटा सा काम। कारण तो अनेक होते हैं, लेकिन अनेक कारण मिलते मिलते आखिर वे एक विशिष्ट स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पर कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ।